सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़ॉन की तरफ से परचेज़ किया हुआ है हम लोगों ने सैंडिस्क अल्ट्रा डुअल ड्राइव लक्स टाइप सी फ्लैश ड्राइव 64 GB विथ 5 ईयर्स वारंटी। जी हां फ्रेंड्स, 5 साल की लंबी वारंटी आप लोगों को मिल जाती है, मेड इन मलेशिया। और प्राइसिंग हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये अंदर से कुछ बिल देखने के लिए मिल जाता है, इसको हम लोग रखते हैं फ़िलहाल साइड में। चलते हैं इसकी पैकिंग की तरफ। तो पैकिंग तो फ़िलहाल ठीक ठाक लग रही है। अब मेन प्रोडक्ट की तरफ हम लोग अभी बस चलने ही वाले हैं। इसमें हम लोग आगे आप लोगों को एक एप्लीकेशन के थ्रू स्पीड टेस्ट भी दिखाएंगे और लाइव भी दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें ट्रांसफ़र रीडिंग और राइटिंग स्पीड भी दिखाएंगे। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, प्राइसिंग वगैरह। तो चलिए इसको अब हम लोग बाहर निकालते हैं। और आज हम लोग के पास सीज़र भी है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज फटाफट से इसको हम लोगों ने काट लिया है और अंदर से निकालते हैं अपना मेन प्रोडक्ट, जो कि देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। और ये निकल गया कुछ अंदर से हमारा मेन प्रोडक्ट। सो ये बाहर आ चुका है। और बात की जाए इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो ये मेटल बॉडी है, काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हाथ में। फील इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है इसका। और इसको लॉक करने के बाद, रोटेट करने के बाद एक क्लिकी साउंड आता है, जो कि आप लोगों को अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन देगा कि ये लॉक हो चुका है। और इसमें आप लोगों को टाइप सी पोर्ट मिलता है फॉर मोबाइल, सो अलग से आप लोगों को कनेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने लैपटॉप में इसको कनेक्ट कर लिया है। और एक स्पीड आउट एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हम लोग आपको दिखाएंगे कि इसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड कैसी रहती है। एक और ज़रूरी बात, हम लोगों ने अपने LG के स्मार्ट TV में भी इसको कनेक्ट किया और एक 1080p का वीडियो भी प्ले किया। और ये विदाउट एनी लैग बहुत ही ईजिली वो जो है वीडियो उसको स्ट्रीम कर पा रहा है। सो वापस आते हैं इसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड के टेस्ट की तरफ। तो रीडिंग स्पीड इसका 142 MBPS और राइटिंग स्पीड 56 MBPS। सो गाइज, ये तो था एप्लीकेशन के थ्रू रीडिंग और राइटिंग स्पीड टेस्ट। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल में रीडिंग राइटिंग स्पीड टेस्ट की तरफ। और हम लोग अभी ट्रांसफ़र करने वाले हैं पेन ड्राइव से लैपटॉप में हैरी पॉटर मूवी, जो कि 7.56 GB की मूवी है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये कितना स्पीड देता है हम लोगों को। तो गाइज़, यहाँ पर देखिए आप लोग 132, 128, अप्रॉक्स 150 के आसपास आप लोगों को स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। और ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मली सब पेन ड्राइव में ऐसा होता है। सो गाइस, बात करें इसकी हीटिंग की, तो इसको हम लोगों ने टीवी में भी कनेक्ट किया और अभी स्पीड टेस्ट भी दिखाया और अभी रीडिंग टेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा वार्म है, जो कि नॉर्मल है। एंड उसी मूवी को, हैरी पॉटर जो मूवी हम लोगों ने अभी लैपटॉप में डाला था, उसी मूवी को अब हम लोग पेन ड्राइव में डाल रहे हैं, राइट कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें कितना स्पीड जाता है। तो इसमें 50-51 MBPS की स्पीड आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, ये अभी भी बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं कर रहा। और अभी मैंने वीडियो स्किप कर दिया ताकि आप लोग लंबी वीडियो से बिल्कुल भी बोर ना हो। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने सैनडिस्क अल्ट्राफिट 3.1 जो पेन ड्राइव है सैंडिस्क का, वो भी मंगाया था। और उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि वो एक्सेस हीट कर रहा था, मतलब क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था, जिसको हम लोगों ने वापस कर दिया था। और इस वाले पेन ड्राइव का प्राइस हम लोगों को अमेज़ॉन पे पड़ा 819 रुपीज़, जो कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी वर्थ इट है। सो गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।